हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो जरूर सुना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा कमाने वाला एथलेटिक है और दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर फुटबॉलर भी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे खर्च करते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के एक गरीब घर में पैदा हुए थे। जब ये 14 साल के हुए तो इन्होंने फुटबॉल खेलने के लिए एक बहुत ही मुश्किल कदम उठाया और वो था कि स्कूल छोड़ने का। उसका ये प्लान काम कर गया और 2019 में रोनाल्डो ने एक ही साल में 109 मिलियन डॉलर कमाए थे। रोनाल्डो ने 2018 में जुवेंटस फुटबॉल क्लब के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि रोनाल्डो को 64 मिलियन डॉलर सिर्फ एक ही साल में देंगे। यानी कि पूरे 4 सालों के 256 मिलियन डॉलर जो करीब 1900 करोड़ रुपए होते हैं। रियल मैड्रिड से जुवेंटस में आने की 117 मिलियन डॉलर की ट्रांसफर फीस भी रोनाल्डो को दी गई है। ये तो सिर्फ रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने पर मिलेंगे, लेकिन सबको पता है कि मशहूर एथलेटिक्स पैसे सिर्फ खेलने से नहीं कमाते। रोनाल्डो हर साल 330 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर से कमाते हैं, जैसा कि क्लीन हेल्थ केयर, हर्बल लाइफ और टोयोटा। लेकिन रोनाल्डो का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नाइकी के साथ है, जो रोनाल्डो को उसके करियर में 1 बिलियन डॉलर कमा के देगी। ये सारी कमाई तो हो गई एक तरफ, अब आते हैं रोनाल्डो की सेकेंडरी इनकम पर। स्पोर्ट्स और ब्रांड एम्बेसडर के अलावा रोनाल्डो ने कई बिजनेस भी खोल रखे हैं। रोनाल्डो ने 2 होटल खोल रखे हैं जिसका नाम पेस्टियाना CR7 है। एक होटल लिस्बन में है और दूसरा फुंचाल में है। इसके अलावा स्पेन में इंस्पायरा नाम से रोनाल्डो की एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी है और CR7 नाम से एक क्लोथिंग कंपनी भी रोनाल्डो ने खोल रखी है। तो रोनाल्डो ने अपनी कमाई के बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज बना रखे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे ये खर्च कहाँ करते हैं। खर्च करने की बात करें तो रोनाल्डो विलास और प्रॉपर्टीज खरीदने के शौकीन हैं और पूरी दुनिया में रोनाल्डो ने 27 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इन प्रॉपर्टीज में शामिल है रोनाल्डो का इटली में मौजूद डबल विला। इस डबल विला में 8 बेडरूम है, इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट गार्डन्स और इंडोर जिम भी मौजूद है। रोनाल्डो न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप टावर में भी एक अपार्टमेंट के मालिक है। इसकी कीमत 18 मिलियन डॉलर यानी 135 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रोनाल्डो स्पेन में एक वेकेशन होम के मालिक भी है जिसकी कीमत 16 मिलियन डॉलर यानी 112 करोड़ रुपए है। रोनाल्डो प्रॉपर्टीज के साथ साथ लग्जरियस गाड़ियां का भी कलेक्शन रखते हैं। इस वक्त रोनाल्डो के पास 19 लग्जरियस गाड़ियां मौजूद है और इन कारों की कीमत करोड़ों रुपए बनती है। इनकी लग्जरियस कारों कलेक्शन में रॉल्स रॉयस फैंटम, बेंटली GT स्पीड, 2 ऑस्टन मार्टिन, बुगाटी वेरान और लिमिटेड एडिशन बुगाटी भी मौजूद हैं। गाड़ियों के अलावा रोनाल्डो के पास 2 प्राइवेट जेट भी है। एक का नाम है गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट जिसकी कीमत 19 मिलियन डॉलर है और दूसरे जेट का नाम है गल्फ स्ट्रीम G650 कि इन्होंने 60 मिलियन डॉलर में खरीदा था। लग्जरियस कार, विलास और जेट्स में खर्च करने के साथ साथ रोनाल्डो अपने कपड़ों और वॉचेस पर भी खर्च करने में बिल्कुल शर्माते नहीं है। इनके पास रोलेक्स की बनाई हुई सबसे महंगी वॉच घड़ी मौजूद है। इस वॉच का नाम है रोलेक्स GMT मास्टर आइस जिसकी कीमत 485,000 डॉलर है, लगभग 3 करोड़ 7 लाख रुपए की ये वॉच है और ये वॉच सिर्फ डायमंड और व्हाइट गोल्ड से तैयार की गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए पैसे देने नहीं पड़ते हैं।